खजुराहो के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ जीतने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी बूथ समितियों के 23,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शाह ने कहा, आप 29 कमल मोदी की झोली में डालिए, हम देश और प्रदेश को विकसित बनाएंगे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ये अमित शाह के आने की धमक है कि कांग्रेस ने मैदान ही छोड़ दिया। शताब्दी का भारत होगा, ऐसे में कई संकल्पों को पूरा कराने के लिए आप खजुराहो की धरती पे आए हैं। और खजुराहो वो स्थान है जहां मतंगेश्वर महादेव आशीर्वाद देते हैं और निश्चित रूप से वो आशीर्वाद फलीभूत होता है और उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। अभी तो आपके आने के कार्यक्रम ही बना था और 2 दिन पहले हमने देखा कांग्रेस पिछली बार लगभग 4 लाख से हारी थी और उसके ठिकाने नहीं लगे थे और अब उन्हें अपनी खुद का मैदान छोड़ दिया। ये आपके आने की धमक और मोदी जी की सरकार के बनने के लक्षण दिखाई देते हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं यहां पर क्लस्टर के 23,000 बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए मैं आया हूं। ये जो सम्मेलन बुलाया है विजय का संकल्प लेने का, इस सम्मेलन 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने के संकल्प का सम्मेलन। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश के अंदर ढेर सारे परिवर्तन किए हैं। ये 10 साल भारत के विकास के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल भारत के 60 करोड़ गरीबों के कल्याण के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल भारत को सुरक्षित कर आतंकवाद से मुक्त करने वाले 10 साल रहे। ये 10 साल भारत की महिला शक्ति को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर सम्मान देने के 10 साल रहे। भाई और बहनों, इसी 10 साल में भारत ने चंद्रमा पर पैर रखा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का चंद्रयान पहुंच नहीं पाया था, वहां शिव शक्ति पॉइंट बनाकर भारत के तिरंगे को फहराने का काम भारत के नेता नरेंद्र